सोनीपत के नाथूपर इंडस्ट्रियल एरिया में दो फैक्ट्रियों में भीषण आग लग गई, जिसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। सोनीपत के नाथूपुर इंडस्ट्रियल एरिया में उस समय हड़कंप मच गया जब लोगों ने बारदाना बनाने वाली फैक्ट्रियों में धुआं निकलते देखा। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग का भयानक रूप देखकर लोगों ने दमकल विभाग को सूचना दी। आग का तांडव इस कदर था कि दमकल विभाग को 8 गाड़ियों का सहारा लेना पड़ा, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ऊपर में आग लगी है, जब हम मौके पर आए फायर ब्रिगेड बुलवाई, जो हमने देखा कि यूनिक पैकिंग और ज्योति पैकिंग में दो फैक्ट्री में आग लगी हुई भयंकर आग है। हमने सोनीपत से यहाँ से गोहाना से काफ़ी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ बुलाई, आग को बुझा रहे हैं। अभी देख रहे हैं इसमें कोशिश पूरी चल रही है, 80% के करीब आग बुझ चुकी है, बाकी गाड़ी आ रही हैं बार बार। 8 गाड़ियाँ मौके पर कार्य कर रही हैं। जो ये बारदाना की इंडस्ट्री थी, जिसकी बेसमेंट से आग स्टार्ट हुई थी, जो बराबर में केमिकल की फैक्ट्री है वो हमने बचा दी है और आग कंट्रोल में है। लगातार संघर्ष जारी है और जो इसके साइड में कत्थे की फैक्ट्री है उसको भी बचा लिया गया है। और 8 गाड़ियाँ इस समय लगी हुई हैं और 4-5 गाड़ियाँ और आ रही हैं। पानीपत रोहतक से मैंने बुला रखी है। आग लगने की सूचना के बाद फैक्ट्री मालिक भी पहुंचे। फैक्ट्री मालिक का कहना है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है, जिससे भारी नुकसान पहुंचा है। सर वो बाई चांस लाइट गई हुई थी, लाइट आई तो कुछ पार्किंग हुई, रात में सब सो रहे थे तो एकदम आग लग गई। एक और व्यापारियों पर लॉकडाउन की मार पड़ रही है, तो दूसरी तरफ ऐसी घटनाओं ने व्यापारियों की कमर तोड़ दी है।